हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ है तो दोस्तों आपकी उसकी लोकेशन किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आपका फ़ोन कहीं पर चोरी हो जाता है या कहीं पर गिर जाता है, और दोस्तों यहाँ पर गिरते वक्त अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है तो दोस्तों हमें उसके बारे में लोकेशन को ट्रेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सारा कुछ आपको बताऊँगा कि किस तरीके से अपने खोए हुए मोबाइल की लोकेशन को पता करेंगे, और दोस्तों अगर आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है तो उसको किस तरीके से लोकेशन में पता कर सकते हैं। तो दोस्तों सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर आपको एंड तक देखना होगा। तो दोस्तों वीडियो एंड से मैं आपसे बोलना चाहूँगा, दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारे और भी इसी तरह के टॉपिक इस चैनल पर और भी मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम भाई फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि अगर हमारा मोबाइल स्विच ऑफ है तो दोस्तों उसके लोकेशन को किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा रीज़न यही मानना है कि अगर आपका मोबाइल स्विच ऑफ है तो दोस्तों उसकी लोकेशन को कैसे भी नहीं पता कर सकते। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आप कहीं पर फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है या कोई चोर आपके मोबाइल को कहीं पर ले जाता है चोरी करके, तो दोस्तों उसमें स्विच ऑफ कर देता है, तो दोस्तों उसका लोकेशन कोई भी यहाँ पर नेटवर्क नहीं जुड़ता है जिससे आपको उसकी लोकेशन को पता कर रहे। जब तक आपका मोबाइल वहाँ पर ऑन नहीं होगा तब तक आप उसकी लोकेशन को किसी भी तरीके से नहीं पता कर सकते हैं। अगर आपको पता ही करना है तो दोस्तों अगर आपकी सिम को वहाँ से निकाल सकता है, निकालने के बाद में आप खुद में खुद अपनी डालेगा तो दोस्तों उसकी पुलिस वास्ते उसका लोकेशन को पता कर सकती है, जिससे वहाँ खुद में खुद आपको पुलिस के ट्रेस में आ जाता है जब आपका फ़ोन यहाँ पर लौट करके आपके पास आ जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मैं ये भी बताऊं कि अगर आपका फ़ोन गिरते वगैरह अगर आपका स्विच ऑफ होता है या आपके दोस्त यहाँ पर किसी ने गुम कर लिया है, तो दोस्तों उसकी को माई फाइंड माई डिवाइस को आप सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों उसकी जीमेल आईडी आपको सिर्फ याद रहनी चाहिए। तो दोस्तों उससे अगर आप उस पर रिंगटोन देना चाहते हैं तो दोस्तों उस तरीके से रिंगटोन भी दे सकते हैं। अगर दोस्तों उसके रिंग डाटा को इरेज करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके डाटा को भी इरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ सारी कर सकते हैं, मगर वो उसकी सोचा अगर मोबाइल फ़ोन है तो उसकी लोकेशन को पता नहीं कर सकते। तो आइए वीडियो जानकर आपको बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो दोस्तों अगर आपको कहीं पर आपको ये मिलता है कि आप बंद लोकेशन की पता कर सकते हैं, दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों वीडियो से रिलेटेड अगर आपका दिमाग का कोई डाउट है, अगर आपका फ़ोन कहीं पर चोरी हो गया या कहीं पर गुम हो गया है तो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।